हेयर की बात की आपने, हम देखते हैं बहुत ज्यादा एज भी नहीं लगती माशाल्लाह, झुर्रियां भी नहीं है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी सेहत से नवाजे और भी इस वक्त भी माशाल्लाह आप बड़े सेहतमंद हैं। बालों को डाई करने के बारे में कभी ख्याल नहीं आया कि ये बड़ा मजे का सवाल है और सुमेरा ये मोस्टली मुझे मुख्तलिफ इवेंट्स में भी नो डाउट इनकी अपनी एक ग्रेस है, सारे मेरे हम असरों में कि जी आपने सबने तो आज भी तो मैं उनको कहता हूँ कि एक तो सबसे पहले नेचर का, मैं हीरो तो हूँ नहीं, हीरो जो है उसकी मजबूरी है मेंटेन करना अपने आप, मैं तो कैरेक्टर रोल्स करता हूँ। फिर दूसरे मैं जैसे मैंने गुफ्तगू के शुरू में अर्ज किया ना कि मैं फैक्ट्स बिलीवर, अब सफेद हो गया, अब मैं पाल लूँ, अब रोज एक रिटचिंग का बंदा मुझे रखना पड़ेगा, घर से आते आते मेरे कई साथियों के दोपहर को दो को फिर सफेद निकला तो जाहिर कहीं कर लेते होंगे ना उसको, तो मैं एक तो नेचर का चलो उसको एंजॉय करो यार। आगे मेरे जवानी में बाल सफेद हो गए थे, दिमाग ही मैंने जिंदगी में ज्यादा इस्तेमाल किया तो आफ्टर इफेक्ट भी तो उसको याद है। और फिर एक और चीज है, मैं बालों में इसलिए भी क्रेजी नहीं हुआ मेरे जब सफेद हो गए, मेरी खुली किताब हूँ, लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं सारे के, लेकिन कुछ बातें शायद बेशुमार लोगों के इल्म में नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में बालों की सफेदी पे भी ये तवज्जो रखी है कि मेरा खून सफेद नहीं होना चाहिए, बाल होते हैं तो फट, मेरा मेकअप मैन मुझे 10-15 मिनट में ऐसा मुंडा बनाता है कि मैं आपको दिखता हूँ ना फिर ड्रामा में। बिल्कुल बिल्कुल, तो सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनड्यू हम जिंदगी में पालते हैं। मैं अगर हीरो होता तो मैं भी करता, लेकिन मैं तो कैरेक्टर रोल्स करता हूँ, कैरेक्टर रोल में मैं हर वक्त तो मेंटेन एक्टर किरदार नहीं लिया फिरता, मैं तो राशन मैन हूँ जब किरदार होता है। नो डाउट माशाल्लाह इसमें आपकी ग्रेस है, आपकी डिग्निटी है। अच्छा राशिद महमूद साहब, आपने पॉजिटिव रोल्स भी किए, पॉजिटिव रोल ऐसे किए कि आवाम को आपसे मोहब्बत हो गई जी, नेगेटिव रोल जब आप करते हैं तो आवाम को आपसे नफरत हो गई, ठीक है। कमाल की एक्टिंग की आपने, आपने किस एक्टिंग को एंजॉय किया, पॉजिटिव एस्पेक्ट को या नेगेटिव को? देखिए दरवेश और एक्टर जो है ना, कि मैं बड़ी अजीब सी और सी बात करूंगा, मैं भी किसी को बुरी ही ना लग जाए कि ये क्या बकवास कर रहा है, मेरी एक अपने असेसमेंट है, अपने एनालिसिस है। दरवेश तब होता है जब वो अपनी साथ अपने नफ्स उससे डिनाइल करके तो वो एक ऐसी लिविंग में चले जाता है कि वो दरवेश और वो कलंदर बन जाता है। बिल्कुल, एक्टर आर्टिस्ट भी जो है, मतलब मैं जब राशिद महमूद को निकाल के मास्टर या जागीरदार या मजबूर वो बनता हूँ तो राशिद महमूद निकल जाता है, तो वो भी मैं अपनी जात और उससे डिनाइल करते हुए अपनी नफी करते हुए उस किरदार में ढलता हूँ ना। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा पाकीज़गी और वो वाला काम है लोगों की, कभी कभार किस्से कहानियां, तो मुझे दुख होता है कि पता नहीं क्या, ये दुनिया का कोई पेशा बुरा नहीं है, बिल्कुल आपका अमल उसे बुरा बना, अमल बनाता है। तो कुछ प्रिकॉशन जिंदगी में थोड़े से रख लो तो बचत हो जाती, मैं इस तरह हो गया सारे का सारा कुछ। सही, हम देख रहे हैं कि पिछले जो टेन्योर गुजर रहा है और आजकल भी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया में जाके परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर आगे हिंदू इंतहा पसंद जो है उनकी तरफ से एलिगेशन भी लग रही है और मतलब नफी भी की जा रही है उस चीज की, कुछ लोग इसके हामी हैं कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। आपको कभी ऑफर आई इंडिया से, और आई तो फिर आपका क्या रद्दे रमल रहा, और अब आती है तो आप क्या करेंगे? ऐसे अगर मैं कहूँ कि आर्टिस्ट सारी दुनिया के लिए बिल्कुल कहीं भी काम करने से उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं, लिमिटेशंस कोई शर्त नहीं। हम हॉलीवुड के रॉबर्ट डिनीरो नहीं देखते, हम देखते, नहीं देखते, बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपने पड़ोस के मुल्क के लोगों को नहीं देखते, बिल्कुल देखते हैं। उसमें ये होता है कि एक डिग्निटी वकार जो है ना वो मेंटेन रहना चाहिए। आप कहीं दुनिया में जाके काम कर रहे हैं या अपने, हमारे यहाँ ये जो हुआ कि सियासी एलिमेंट्स जो थे, नजरियाती अनड्यू जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग होते, वो कुछ गलत वे से पोर्ट्रेल करते दुनिया में। हमारे आर्टिस्ट जो है
हमारे पड़ोसी मुल्क से जब हमारे आए तो हम उसको सीने से लगाते हैं, यूं पलकों पे उठा के वो ओमपुरी आए थे हमारे, हाँ हमारे वहाँ जाते हैं तो उनको भी एक टेनोर पिछले कुछ सालों को छोड़कर उससे पहले पहले और उन्होंने देखे इंतहा पसंदों को हटा के तो वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। और फिर हमारे आर्टिस्टों ने वहाँ ऐसा ऐसा अच्छा काम किया कि जो कोटेशन बन गई दुनिया भर में। बिल्कुल सही। हम जब अपने मुल्क की और अपने रिलीजन की हदों को फलांग कर अपनी शनाख्त एक इंडिविजुअल जेस्चर क्रिएट करने के लिए इंटेलेक्चुअल बनने निकलते हैं, ये कबाहत है, तब शुरू होते हैं। वरना अब्रॉड में जो लोग गए तो अब जो पिछले कुछ अरसे से जो उन्होंने एक तरीकाकार सारा कुछ मोदी साहब के आने के बाद जो ये इस तरह के जेस्चर, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए काम। हम खुदा ना खास्ता वो कोई चांस नहीं दे रहे होते हमको कि आप बिल्कुल, आप बिल्कुल। में वो पोटेंशियल है तो आपको बुलवाया गया। सही, बिल्कुल। मैं अपनी बात बताऊं तो बहुत बरस पहले मुझे और ख्याम सरहदी साहब अल्लाह की रहमत करे, हमारा दोस्त और बड़ा नामवर दोस्त और बड़ा मोहब्बत करने वाला दोस्त, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, हम दोनों को एवरेडी पिक्चर्स, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा इदारा है, सतीश आनंद साहब चला रहे हैं, पहले उनके फादर हुआ करते थे जेसी आनंद साहब, उनका एक प्रोजेक्ट था जूही चावला का। अच्छा। ये मैं बहुत बरस पहले की बात, 6-7-8 बरस पहले की बात कर रहा हूँ, जब इनको लोगों को ये शायद शोर भी नहीं था कि काम दुनिया के और हिस्सों में भी बुलाया जाता, बिल्कुल। तो मुझे और ख्याम साहब को बुलाया गया, उनके मैनेजर थे अनीस, उनके हम गए, फिर उनसे हमारी गुफ्तगू, कुछ प्री पार्टीशन की कहानी थी, उसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, तो मैंने उनसे चंद कहके जी स्क्रिप्ट, उन्होंने यार वो तो ये स्क्रिप्ट जो था वो, लेकिन मुझे सुनाया गया फिर कि इस तरह का है, ये है, वो है, वो है। फिर मैंने उनसे जो दूसरा सवाल किया, मैंने कहा जी ये जब हम काम के लिए वहाँ जाएंगे तो ये हमारा जो कागजाती प्रोसेस है वो उस लेवल का होगा कि हम काम करने जा रहे हैं, मुझे अजमेर शरीफ के उर्स के वीजे पे छुप के शूटिंग करनी पड़ेगी, हाँ, रिकॉर्डिंग, तो ये सारी की सारी चीजें होगी। लेकिन वो कुछ उसमें मैं उन दिनों कुछ बिजी भी था अपने कामों में, यहाँ ज्यादा मेरे सीरियल उन दिनों दाएं बाएं के थे, तो मैं मेरी एडजस्टमेंट में नहीं गया, ख्याम साहब गए थे, फिर एक और उन्होंने रिप्लेसमेंट कराची से किसी को लेके गए, तो इस तरह की, तो मुझे बहुत, तो मेरे लिए मेरा भी, मैं जो यहाँ कर रहा हूँ इसको दुनिया में जाके कहीं भी दिखा दूं, मैं कोई छुप के एक्टिंग थोड़ी करता हूँ कि मैं, वो तो स्क्रीन पे आना है, चाहे आप इंडिया की स्क्रीन पे आ रहे हैं, चाहे बॉलीवुड पे जाए, आप लॉलीवुड पे आ रहे हैं। और अब हमारा ये जो मीडिया इस कदर वाइड हो गया कि हमारा हर हर चैनल जो है दुनिया भर में देखा जाता है। बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला आपको, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर इसको हम देखें तो आशीष साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत अरसा दिया आपने, मोर देन 50 ईयर्स यू हैव गिवन टू दिस फील्ड, उसके बाद कहीं जाके आपको ये अवार्ड मिला, आपको कहीं लगता है कि आपको आज से 10 साल पहले 5 साल पहले ये अवार्ड मिल जाना चाहिए था, ये आप सेटिस्फाइड है? देखो बेटा, मेरी नॉमिनेशंस जो है ना मुख्तलिफ अदवार में जाती रही है, कई बार गई तो नहीं मिलता था। असल में मैं कोई ऐसा, देखो मेरे भरे पड़े, जी बिल्कुल भरे पड़े, कोई ऐसा नहीं है, मुझे मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से भी मिले हुए हैं, और अब और बेशुमार ऐसे हो गए हैं कि जो मैं घर में कभी ले, तो मेरी बीवी कहते हैं इसको दफ्तर में ले, इधर इन फालतू चीजों के लिए जगह नहीं। मैं समझता हूँ कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस का प्राइड, बिल्कुल, तो वो तो मेरे रब ने मुझे 50-55 बरस में दिए रखा है, बिल्कुल। नहीं होता रहा, लेकिन मैंने कभी इस बात को दिल पे नहीं लगाया, फील तो हुआ होगा, हाँ नहीं होता था, होता, क्योंकि हमारे यहाँ बेशुमार ये अवार्ड जो है ऐसे लोगों को भी मिल गए जिनकी कोई मुझे नहीं समझ आती काहे का क्या, किस शोबे के हवाले से ये क्यों दिया गया, मिलते हैं। इस मुल्क में असल में बेशुमार चीजें जो होती है वो हमें सियासी एफिलिएशनों से भी होती हैं, कुछ अपने जो रिश्ते नाते उनके हवाले से भी, तो मैंने कभी ऐसा सच नहीं, लेकिन मेरे दिल में होता था कि यार देखो हमने इतना काम किया, तो मैं शुक्रगुजार हूँ
इस हुकूमत में कि इस बरस मुझे ये मिल गया बहुत क्या फीलिंग थी राकेश साहब मुझे अच्छा लगा लेकिन एक लम्हे के लिए मेरे एक जो आंसू शायद मेरी आंख से निकला नहीं आ गया लेकिन आ गया था वो कहीं अंदर ही गुम कर गया मैं एक्टर था पी गया उसे शुक्र है अल्लाह का अच्छा लगा मुझे मैं शुक्र गुजार हूँ कि मेरी जिंदगी में मिल गया मुझे बिल्कुल सही तो एक प्लेजर जेस्चर तो होता है तो मैं समझता हूँ हमारे शोबे का सबसे बड़ा लेकिन आपके काम से बड़ा अवार्ड कौन सा लेकिन जब आपको आपके नेशनल लेवल पे आपके मुल्की लेवल पे किसी रूट पे आपकी पार्टिसिपेशन को रजिस्टर किया जाता है तो ये प्राउड वाली बात है। आपने ये रेडियो से स्टार्ट किया स्टेज किया ड्रामा मूवी आपने इन चारों चीजों में से सबसे ज्यादा एंजॉय किसको किया देखो जब आप सचमुच एक इरादे से निकले होते हैं तो किसी भी जगह पे जाए आपके पेशेंस जो होते हैं वो जो काम आप एंजॉय नहीं कर रहे आप वो नहीं कर पाते बिल्कुल सही ये मैं नहीं हर वो बंदा जो अपनी जिंदगी की एक कमिटमेंट की मुझे ये करना है तो फिर सबसे पहले मैंने टेलीविजन पे लेकिन फिल्म हुई टेलीविजन हुआ स्टेज हुआ उसमें ये है कि आपको को थोड़ी सी सराउंडिंग की मुआफकत होती है सही। सेट खूबसूरत आज की टेक्नोलॉजी में सही। जब मैं सफेद बालों वाला बाबा बैठता हूँ तो ये बच्चे जो ये बिहाइंड द कैमरा खड़े ये हमें लाइट ये सजा देते हैं बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान जो है वहाँ सिर्फ एक माइक होता है और उसको सुनने वाले अरबों लिसनर्स होते हैं दुनिया भर में मैं चूंकि ड्रामे से रिलेटेड हूँ बाकी असनाफ भी जितनी इसकी रेडियो से रिलेटेड सबसे गुजरा हूँ सब काम किए मैंने माइक जो है उसमें मैं फकीर हूँ गली में हूँ ये मुझे अपने उस आवाज से अपने लिसनर तक पहुंचानी और वो एक लिविंग में जाएगा कि हाँ ये मैं बादशाह हूँ किसका तो सारे का मुझे आज भी मजा जो है ना आप यकीन कर मेरे अंदर वो जो मेरा एक सेल्फ कैथारसिस मजे का होता है जब मैं रेडियो के ड्रामे पे जाता हूँ मैं अभी मैं रेडियो से मैंने अपना ताल्लुक सारी जिंदगी जब तक हयात राकेश साहब मैंने अक्सर यही सुना है मैं और आपसे भी यही सुनना चाह रही थी मेरे कान इसी बात को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप रेडियो की ही बात करेंगे मैंने देखा है थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया यूनिवर्सिटी के टाइम में लेकिन उतना नहीं किया जितना आजकल लोग कर रहे हैं या आप लोगों ने किया या माशाल्लाह आपको तो फिर क्या ही बात है लेकिन मैंने ये देखा है कि जो एक दफा रेडियो पे काम करना शुरू कर देता है उसको नशा लग जाता है वो उसको छोड़ नहीं पाता असल में मेरी ग्रूमिंग में जिस दौर में मैंने बताया कि मैं और इरफान 10 बरस जितनी पेन वर्क की तस्वीरें अब मुख्तलिफ स्टेशनों पे आर्ट हमने सबके साथ काम किया हम जब रेडियो पे थे मुस्तफा लिया वना के साथ जिन्होंने पाकिस्तान जब तो सबसे पहले कहा था कि ये रेडियो पाकिस्तान है कमाल वो थे अखलाक अहमद देलवी थे अजीजुर रहमान थे मुजफ्फर हुसैन साहब थे नसरीन महमूद थी बादशाह गरजैदी तो ये तो खैर बादशाह गरजैदी तो बहुत बाद में आए दूसरे उधर से लेकिन ये सारे ये लेजेंड्स थे सूफी तबस्सुम साहब रेडियो पे हुआ फिर नासिर काजमी साहब जिनके शेर लोग फैशन के तौर पर सुनाते बिल्कुल सही हमने उनके अय्यूब रोमानी साहब अकरम भट्ट साहब इब्राहिम सलीम साहब शमसुद्दीन भट्ट साहब सज्जाद ये बहुत बहुत बड़े नाम है फिर उसमें और तो रेडियो में ये जो ये सारे लोग ये जेर जबर की गलती की गुंजाइश नहीं थी तो हमारी ग्रूमिंग में हमें वो जो वाफकत सराउंडिंग में थी आज का बच्चा जो उसको खुद भी तेजी है और फिर वो क्लिक जो है उससे सारा ये क्लिक जो है ये टेक्नोलॉजी इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बड़ा वाइड कर दिया स्पीडी कर दिया सारा कुछ लेकिन सुमेरा ये क्लिक जो है ये मेरे बच्चे को सिर्फ वो कुछ दे रही जो मैंने फीड किया है इसमें बिल्कुल सही इसमें कोई शक इसमें कोई नई इंटरप्रिटेशन आपको नहीं मिलेगी बिल्कुल सही नई इंटरप्रिटेशन किताब में होती है लिटरेचर में होती है जो रनिंग में लिखा जा रहा आज किताब पढ़ने का तसव्वुर खत्म हो गया सही। तो हम तो मैं आज भी ये भरी पड़ी ये किताबें मेरे अच्छा सब किताबों की बात पर भी हम आएंगे नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं लेकिन कहीं मत जाइएगा
बहुत ही मजे की गुफ्तगू होने वाली है। 7 न्यूज के साथ रहिएगा।